So guys, welcome back again to our channel, The Spontaneous Reaction. My name is Hasan Afzal. And I'm Ahmad Latif. And आज जो है वो एक कड़ाकेदार मुकाबला होने जा रहा है, पाकिस्तान का biggest city कराची और इंडिया का जो biggest city मुंबई. तो इन दोनों के दरमियान full comparison हमें देखने को मिलेगा. देखते हैं किसके pros हैं और किसके cons हैं. एक को कहते हैं city of lights, एक को कहते हैं city of dreams. Dreams. City of lights जो है वो कराची है और city of dreams जो है वो मुंबई. सहसा के कस. ये इस पे हम final जो है अपना तजिया video के बाद देंगे. Exactly. Without any delay हमेशा की तरह counting के साथ 3, 2, 1 start. तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में. तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है. कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3,780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है. वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है. तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं. वहीं कराची शहर के नज़दीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा. अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है. वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है. और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं. और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में. तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब है. इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है. तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है. कराची का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची. लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया. और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में. तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है. मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है, जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है. वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं. ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है. तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रेपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफी इम्प्रूव किया जा रहा है. वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनोरेल जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद हैं. तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगी. अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है. वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है. और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं.
जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीम देव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था, फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो खत्म होती है। अब अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो यार हम कह सकते हैं कि यार अगर इकॉनमी की बात की जाए तो क्लीन चिट मतलब मुंबई जीती है ओवर कराची, बट उसके अलावा मुंबई सिर्फ कराची से नहीं जीता, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जीती है। पाकिस्तान से 6 बिलियन बिलीव करेंगे इतने पाकिस्तान की भी नहीं है, 300 के करीब घूम रहे हैं और ये 60% आई थिंक कराची का रोल 60 से भी ज्यादा ही होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर मेरे 25% लिखा था शायद, लेकिन कुछ ज्यादा होगा ये। हाँ कम बताया और मुंबई का इन्होंने सिर्फ पता है सिर्फ 6% टोटल जीडीपी सिर्फ 6% और उसमें भी 600 है मैं कहता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। ये हैरानकुन बात है, हैरानकुन बात है। उन्होंने बताया जीडीपी में इंडिया मुंबई के अंदर हर शोभा अपना रोल प्ले कर रहा है, इसमें एक शोभा बॉलीवुड है इसको देखते हुए हमने जो है बचपन गुजारा अपना। एग्जैक्टली तो गुंडों का भागना स्लम एरिया के अंदर, लाखों लोग आते हैं मुंबई में ड्रीम्स लेकर, कुछ जॉब्स के लिए आते हैं मगर बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए भी काफी लोग आते हैं, जिसमें आते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक्ट्रेस के बेटे ही आगे जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, जितना रश बन गया है। हाँ, वो इंडस्ट्री वो, के अंदर वो ऐसे ही ऐसे, और अभी तमिल इंडस्ट्री ने भी इनको अभी कंपटीशन टफ दे दिया है ना बॉलीवुड में, तो ये भी है। बाकी मुंबई और कराची दोनों का सेम मुंबई की, नो डाउट यार बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि कराची को किसी दौर में कहा जाता था सिटी ऑफ लाइट्स, अभी मेरा नहीं ख्याल से कहा जा सकता है क्योंकि जो हाल कराची का कर दिया है गवर्नमेंट ने, लोगों ने मिलके जो मर्जी मोबाइल चोरियां क्या क्या हुआ ऐसे क्राइम बहुत है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि वापस इसको एक मैं कहता हूँ ओरिजिनल सिटी ऑफ लाइट्स दोबारा कह सकते हैं। मुंबई अभी भी है, मुंबई में कम से कम ये तो नहीं है कि आप मोबाइल निकालने से डरते हो, देखो ना कराची में ये सीन भी हो रहा है और अभी तो सिर्फ कत्ल वगैरह ठीक हो गया, वरना तो बंदे को गोली यहाँ से मारते थे। एग्जैक्टली ऐसी है, लेकिन सर मैं कहता हूँ मुंबई मुंबई है, मुंबई मुंबई है और कराची कराची, कराची को कुछ टाइम लगेगा, अभी लगेगा टाइम दोबारा अपने आप को रिवाइव करने में। बैरियर टाउन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, डीएचए भी कुछ नहीं कर सकता, डीएचए भी कुछ नहीं कर सकता जी। सो गाइस अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। मुझे हसन आसर और रमाद अदीब को दें इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।